हानि पहुंचाने का भाव छोड़ दो। अहिंसा वो वस्तु है जो हिंदू मुसलमान दोनों की रक्षा करते हैं, तो वो है जो हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़ाता है। तो विशेष धर्म पर हमेशा सामान्य धर्म का माने हिंसा पर अहिंसा का नियंत्रण होना चाहिए। हिंसा अहिंसा पर नियंत्रण न कर सके, अहिंसा हिंसा पर नियंत्रण करे। तो भागवत में और मनुस्मृति में भी एक ही श्लोक थोड़े हेर फेर के साथ आया है। वही श्लोक मनु जी बोलते हैं, वही भागवत में भी है, परंतु शब्दों का थोड़ा हेर फेर है। यमान अभीक्षणम सेवेत न नित्यम नियमान बुधः, यमान पतत्यतुर्बाणः नियमान केवलान भजन। मनुष्य को सत्य अहिंसा सच बोलना, किसी को कर्म से मन से वाणी से क्लेश न पहुंचाना, किसी दूसरे का माल न हड़पना, लोभ बस ज्यादा संग्रह परिग्रह न करना, और काम के वश होकर मर्यादा का भंग नहीं करना, ये यम है। ये हमेशा अपने जीवन में रहने चाहिए। तो पवित्रता से रहो, तीन बार नहाओ, न नहाओ तब भी चल सकता है, आपको छूट देते हैं इस बात के लिए। हमारे एक मित्र वृंदावन में आके रहने लगे, सेठ थे, तो वो तीन बार तो स्नान करते थे दिन भर में और पट्टू के कपड़े पहनते थे, भगवान का नाम भी लेते थे, माटी से हाथ धोते थे, कुछ दान भी करते थे, परंतु जब टेलीफोन पर बैठते थे और कलकत्ते से उनकी बातचीत होती थी तब झूठ भी बोलते थे, ठगी भी करते थे, गाली भी देते थे, परिग्रह से विनिर्मुक्त नहीं थे। तो उनका ये ख्याल था कि ये 17 बार माटी से हाथ धोना और ये पट्टू का कपड़ा ये हमारी रक्षा कर लेगा, इसमें सत्य की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु ये बात गलत है। सत्य अहिंसा अस्तेय के बिना 3 बार का नहाना, पट्टू का कपड़ा और वो माटी से हाथ धोना ये रक्षा नहीं कर सकता। नियम पालन में कभी गलती हो जाए तो हो जाए, परंतु धर्म का जो सच्चा स्वरूप है उसमें कभी गलती नहीं होनी चाहिए। यमान पतत्यतुर्बाणो नियमान केवलान भजन, जो सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को छोड़ देता है और केवल नियमों का पालन करता है उसका पतन हो जाता है। यमान पतत्यतुर्बाणो नियमान केवलान भजन, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। केवल नियम, केवल नियम ये अहम भाव की वृद्धि में सहायक हो जाते हैं, और यम होता है विश्व विराट की सेवा में सहायक। व्यक्ति का उत्कर्ष, व्यक्ति का बड़प्पन चाहिए कि संपूर्ण विश्व समाज की सेवा चाहिए, तो सत्य अहिंसा अस्तेय संपूर्ण विश्व समाज की सेवा के लिए है, और ये जो नियम है व्रत है वो व्यक्तित्व के उत्कर्ष के लिए, व्यक्तित्व की श्रेष्ठता के लिए, बढ़ावे के लिए है। इसी से तो महाराज हमारे साधकों ने कभी कभी फटकार दिया। शास्त्र जा स्मृता शुद्धि का शुद्धि शंभु दर्शने, तुम देह को साफ करते हो, अपने मन को साफ नहीं करते। तुम देह का कपड़ा पहन के ईश्वर से मिलोगे कि मन का कपड़ा पहनकर ईश्वर से मिलोगे? यदि तुम्हारा मन साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो तुम ईश्वर के सामने कौन सा मुंह दिखाओगे? दुनिया तुमको मलिन समझे, परंतु तुम निर्मल रहो, ईश्वर के सामने पहुंच जाओगे। परंतु दुनिया तुमको निर्मल समझे और अपने मन में तुम मलिन रहो, तो तुम्हारा मन ईश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। जब कभी विशेष विशेष धर्म में द्वंद्व हो जाए, संघर्ष हो जाए, तो सामान्य धर्म किसके पक्ष में अधिक है ये विचार करके विशेष धर्म को निश्चय में ले आना चाहिए,
कि कौन सा धर्म सत्य हिंसा आश्रय के अधिक निकट है और कौन दूर है। श्रुत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः। यदि श्रुति श्रुति में विरोध हो तो पूर्वापर का विचार करके श्रुति के तात्पर्य का निश्चय करना चाहिए, और यदि श्रुति स्मृति में विरोध हो तो श्रुति को प्रमाण मानना चाहिए, और जहाँ श्रुति स्मृति पुराण में विरोध हो वहाँ भी जो वेद के अनुसार श्रुति स्मृति है उसी को प्रमाण मानना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणा नाम विरोधो यत्र संभवे तत्र श्रौतम प्रमाणम स्यात् तयोर्द्वैधे स्मृतिर्वरा। और स्मृति पुराण में विरोध हो तो स्मृति श्रेष्ठ होती है। पुराण से श्रेष्ठ स्मृति है, स्मृति से श्रेष्ठ श्रुति है, और श्रुति में युक्ति उपब्रह्मित जो श्रुति है तो वो बलवान होती है। तो आओ भाई, बहिरंग धर्म की अपेक्षा अंतरंग धर्म श्रेष्ठ होता है। अंतरंग धर्म क्या है? तैजस का माने सूक्ष्म शरीर में विराजमान चैतन्य का हिरण्य गर्भ के साथ मिलन की जो कड़ी है उसको उपासना बोलते हैं। स्थूल शरीरावच्छिन्न चेतन का जो विराट शरीरावच्छिन्न चैतन्य से ऐक्य का हेतु है उसका नाम धर्म है, और सूक्ष्म शरीरावच्छिन्न अथवा सूक्ष्म शरीरोपाधिक चैतन्य का जो समष्टि सूक्ष्म शरीरावच्छिन्न अथवा समष्टि सूक्ष्म शरीरोपाधिक हिरण्य गर्भ के साथ चेतन के साथ जो संबंध है उसका नाम उपासना है। आप अपने मन को दुनिया के साथ मत बांधिए, परमेश्वर के साथ बांधिए। एष निष्कंटक पंथा यत्र संपूज्यते हरि कुपथम तद विजानीयात् गोविंद रहित आगमम। निष्कंटक मार्ग यह है कि आप अपने परम प्रेमास्पद, जरा एक बार देखिए तो, ये धरती नहीं बनी है, इसकी गंध तन्मात्रा से परिपूर्ण है संपूर्ण आकाश। पानी नहीं बना है, रस तन्मात्रा से भरा हुआ है आकाश। अग्नि और सूरज नहीं बने हैं, तेजस तन्मात्रा से रूप तन्मात्रा से भरा हुआ है आकाश। सांस और हवा नहीं बनी है और स्पर्श तन्मात्रा से भरपूर है आकाश। और ये वायु परिणामी आकाश नहीं बना है, केवल शब्द तन्मात्रा से परिपूर्ण है संपूर्ण विश्व। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा से परिपूर्ण विश्व सृष्टि में न आपका शरीर है, न आपकी आकृति है, और आप डूब उतरा रहे हैं कहाँ? गंध के समुद्र में, गंध की धरती पर आप चल रहे हैं, रस के समुद्र में डूब उतरा रहे हैं। ये कल्पना नहीं है, आप रूप के सौंदर्य के विस्तार में निमग्न हो रहे हैं। सुकुमार सुकुमार स्पर्श आपको गुदगुदा रहा है और संगीत की मधुर मधुर ध्वनि व्याप्त हो रही है जी। आप उसको श्री कृष्ण के रूप में देख लीजिए, श्री रामचंद्र के रूप में देख लीजिए, विष्णु भगवान के रूप में देख लीजिए। उपासना इसी को बोलते हैं। वो जो समष्टि शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा में अपने भाव के अनुसार सौरभ सौरभ स्वाद सौंदर्य, सौरभ माधुर्य सौंदर्य, सौकुमार्य सौस्वर्य का घनीभूत रूप आप देखते हैं। आपको जो चाहिए सो सब का सब उसमें मौजूद है। आप शिव से प्रेम कीजिए, विष्णु से प्रेम कीजिए, राम से प्रेम कीजिए, कृष्ण से प्रेम कीजिए, देवी से प्रेम कीजिए। अरे ये तो एक ही चीज है भाई, उसमें पांच भौतिक कुछ नहीं है। आपका ये तैजस हिरण्य गर्भ में रम रहा है, वहाँ आनंद की तरंग है, आनंद की बौछार है, वहाँ आनंद की हवा बहती है। उपासना माने संसार के सुख दुख से ऊपर उठ करके आइए, आप आनंद संगीत सुनिए, आनंद स्पर्श का अनुभव कीजिए,
आनंद सौंदर्य को निहारिए, आनंद माधुर्य का आस्वादन कीजिए, आनंद सौरभ को सूंघिए। ये आनंद का लोक है, इसका नाम है गोलोक, जिसका नाम है साकेत लोक, इसका नाम है बैकुंठ लोक, उसका नाम है शिव लोक, उसका नाम है देवी लोक, है एक ही। भाव के भेद से अलग अलग जान पड़ता है। ये सूक्ष्म समष्टि के अपंचीकृत पंचतन मात्राओं से निर्मित इस विश्व सृष्टि में आप रम जाइए। उपासना का जगत कोई साधारण जगत नहीं है। अब इसी में आपको आओ थोड़ी देर, आपको आपके तेजस रूप को, आपके सूक्ष्म शरीर को, आप चैतन्य हैं और सूक्ष्म शरीर की उपाधि को धारण करके आप मन की नाक से, मन की जीभ से, मन की आंख से, मन की त्वचा से, मन की कान से इस परमानंदमयी सृष्टि का अनुभव कर रहे हैं। भक्ति हड्डी मांस चाम के द्वारा की हुई भक्ति नहीं, मन के द्वारा की हुई भक्ति, मन के द्वारा की हुई उपासना। उपासना का जगत दूसरा है। पुराणों को लोग समझते नहीं है। पुराणम सर्वशास्त्राणाम ब्रह्मणा प्रथमम स्मृतम अनंतरं च वक्त्रेभ्यो वेदा तस्य विनिर्गता। पहले ब्रह्मा जी कहानी सुना रहे थे, पहली सृष्टि में ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था, ब्रह्मा जी याद कर करके कि पहले वाले कल्प में क्या क्या था, पुराण के रूप में बोल रहे थे। बाद में वेद उनके मुख से निकले, पहले आए पुराण और बाद में आए वेद। पुराण माने पुराना, किससे पुराना? अरे बाबा आश्चर्य नहीं करना, हम अनिर्वचनीयतावादी हैं। बोला वेद से पुराना पुराण और पुराण से पुराना वेद, उससे पहले वो और उससे पहले वो। ये पूर्वापरि भाव जो है, ये सांप्रदायिक आग्रह है, ये अनिर्वचनीयता का निरूपण नहीं है। वेद से पहले पुराण है, पुराण से पहले वेद है, न कोई पहले है न कोई पीछे है, दोनों परमात्मा के स्वरूप हैं, दोनों परमात्मा में माया है, दोनों विवर्त हैं, दोनों प्रतीति हैं। अच्छा तो आओ भाई, अच्छा भाई तो आओ आप। अच्छा नारायण 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 नारायण, तो आओ आप। गोलोक का अनुभव आप यही कर सकते हैं, हिरण्य गर्भ लोक में ही। हिरण्य गर्भ के ही अवान्तर भेद हैं, ब्रह्म लोक के ही, हिरण्य गर्भ लोक के ही अवान्तर भेद हैं। सृष्टि की प्रधानता से ब्रह्म लोक, पालन की प्रधानता से बैकुंठ लोक, आनंद की प्रधानता से गोलोक, धर्म की प्रधानता से साकेत लोक, वैराग्य की प्रधानता से शिवलोक और ऐश्वर्य की प्रधानता से शक्तिलोक। ये सब हिरण्य गर्भ के ही विस्तार हैं। आपका भाव हिरण्य गर्भ को उस रूप में दिखा देता है। आपने कभी गरुड़ पुराण सुना हो? आप जानते हैं बहुत लोग तो हमारी जन्मभूमि पर हो आए हैं। यहाँ से ब्राह्मण का काम और पौराणिक वृत्ति, मैंने बहुत बार लोगों को गृहस्थ आश्रम में गरुड़ पुराण सुनाया है और पूरा पूरा पढ़ा है। तो उसमें आता है कि प्राणी जब जमपुरी में जाता है तो एक प्राणी पूर्व द्वार से जाता है, एक उत्तर से जाता है, एक पश्चिम से जाता है और एक दक्षिण से जाता है। चार दरवाजे हैं उसके और चारों दरवाजे से प्राणी जमपुरी में प्रवेश करते हैं और जमराज बिल्कुल एक है। तो जो लोग दक्षिण दरवाजे से प्रवेश करते हैं जमपुरी में, उनको तो बड़ा भयंकर रूप जमराज का दिखाई पड़ता है, पापियों को दंड दे रहे हैं। और उसी जमराज का दर्शन पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार से इतना सौम्य होता है कि वो धर्मात्मा पुण्यात्मा लोगों को उनके पुण्य का फल सुख देने के लिए बहुत सौम्य रूप से बैठे हैं। देखो ये संस्कार,
गरुड़ पुराण ने, गरुड़ पुराण ने जमपुरी का इस संग से वर्णन किया कि जमराज एक ही हैं, परंतु चार जनों के पुण्य के कारण की न्यूनाधिकता के कारण और पाप की अधिकता के कारण अनेक प्रकार से मालूम पड़ते हैं, हैं वही। आप इस बात को जानते हैं, आपके घर में एक व्यक्ति है, आपके घर में ही है, सज्जन है, उनके पिताजी उनको बेटा कहकर पुकारते हैं और उनका बेटा उनको बाप कहता है, बहन उनको भाई बोलती है और पत्नी उनको श्रीमान बोलती है। क्यों जी, व्यक्ति तो ये कहीं है, परंतु माँ के बेटे, पत्नी के पति, बहन के भाई, पुत्र के पिता और अपने पिता के पुत्र एक ही व्यक्ति कैसे मालूम पड़ते हैं? व्यक्ति तो एक है। इसी प्रकार विश्व सृष्टि में हिरण्य गर्भ एक हैं और उनको राम के भक्त राम के रूप में, कृष्ण के भक्त कृष्ण के रूप में, देवी के भक्त देवी के रूप में और शिव के भक्त शिव के रूप में देखते हैं। आहा, ये भावनामय लोक, भाव लोक, आपको यदि इसमें स्वाद आ जाए, रस आ जाए, जो मोहि राम लागते मीठे, तो खट रस नवरस अनरस रस हो जाते सब सीठे। यदि आपको नीचे से ऊपर उठना है, राग द्वेष की दुनिया से वैराग्य और प्रेम की दुनिया में जाना है, तो आपको इस भाव लोक को, इस भावमयी सृष्टि को स्वीकार करना पड़ेगा। जब आप इसका सहारा लेंगे, तब आपकी ये जो दुनिया है, इससे आपका मन ऊपर उठ जाएगा। एक बालक गुड़ के लिए रो रहा था कि हमको तो गुड़ चाहिए, गुड़ चाहिए। कहा, इन्होंने हमारा गुड़ छीन लिया, कहीं इन्होंने हमको गुड़ नहीं दिया, रो रहा था बालक। इतने में महाराज उसका कोई आया हितैषी और उसने उसको गुलाब जामुन दिखाई। कि बेटा, गुड़ के लिए क्यों रो रहे हो, ले उन्हें ये गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन देखते ही उसको गुड़ भूल गया, गुड़ के लिए रोना नहीं रहा, गुड़ की मांग नहीं रही। उसने कहा, हाँ हाँ, हम तो रसगुल्ला लेंगे। तो ये हमारे महात्माओं ने, महर्षियों ने, हमारे पुराने शास्त्रों ने, जो लोग गुड़ के लिए रो रहे हैं, गुड़ की मांग से व्याकुल हैं, उनके सामने ये लाकर बिल्कुल कलकत्ते का बना हुआ रसगुल्ला, लो गुलाब जामुन, लो रसगुल्ला। ये महाराज सृष्टि, सृष्टि ही बदल देती है उपासना। जो लोग भक्ति के मार्ग में चलते हैं, वे लोग दुनिया की छोटी छोटी चीज के लिए व्याकुल नहीं होते, दुखी नहीं होते। संसार का दुख छुड़ाने के लिए उपासना से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। आप जब स्थूल शरीर से थोड़ा ऊपर उठकर सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, तब जैसे इस शरीर से आपका धरती और धरती के लोगों से संबंध है, वैसे ही आपका सूक्ष्म सृष्टि और सूक्ष्म सृष्टि के आनंदों से आपका संबंध हो जाता है। वहाँ की चमक दमक, वहाँ का प्रसार, वहाँ का विस्तार, वहाँ का उल्लास, वहाँ के आनंदों की तरंग, ये आपके अनुभव में आने लगती है। इसी उपासना के क्षेत्र में ये भगवान की भक्ति आते हैं। अभी योग की और तत्व ज्ञान की चर्चा हम नहीं करते। भागवत धर्म स्थूल से उठाकर आपको सूक्ष्म में, भावमय लोक में स्थापित करता है। तो जब आप वृंदावन का वर्णन सुनते हैं, इसकी ऐतिहासिक खोज मत करो हो और भौगोलिक खोज भी मत करो, ये भूगोल के किसी हिस्से का नाम वृंदावन नहीं है, आपके भाव के एक हिस्से का नाम वृंदावन है। 5000 बरस पहले श्री कृष्ण अवतार नहीं हुआ, ये 5 विषयों के जो 5000 रूप आपको दुनिया में दिख रहे हैं, इनसे पहले भगवान का रूप आपके हृदय में विराजमान है। वो तब नहीं हुआ, अब है। वो वहाँ नहीं हुआ, यहाँ है। कहाँ है? का आपके भाव लोक में है। और यदि आप अपने भाव को नहीं बना सकते बाबा, तो जाइए वहाँ की मिट्टी उठाकर मशीन पर चढ़ाइए कि हाथरस की मिट्टी से, जबलपुर की मिट्टी से, वृंदावन की मिट्टी में कुछ ज्यादा गुण है कि नहीं। खारा पानी तो जरूर मिल जाए, आपकी बालू तो जरूर मिल जाए वहाँ, परंतु आपके हृदय में हरा भरा वृंदावन,
मंद मंथर गति से प्रवाहित सूर्य नंदिनी श्याम सुंदर के ध्यान में निमग्न श्री जमुना मैया, वहाँ के श्री कृष्ण चरण स्पर्शी वृक्ष, वहाँ की मुस्कान के द्वारा श्री कृष्ण का स्वागत करने वाली लताएं, वहाँ के राधा राधा कहने वाले पक्षी, वहाँ की मुंह में घास का ग्रास लिए कृष्ण की ओर देखने वाली गौएं, वहाँ की हरिनिया बड़ी बड़ी आंखों से श्याम सुंदर का सौंदर्य देखने वाली, वहाँ की शीतल मंद सुगंध वायु, वहाँ के वातावरण में भरा हुआ बांसुरी का स्वर बंसी निनाद, आप उस लोक में चलिए। वहाँ आकाश ने अपने उत्तम से उत्तम स्वर सौष्ठव को प्रकट किया है, वहाँ वायु ने उत्तम से उत्तम अपनी सुकुमारता को प्रकट किया है, वहाँ तेज तत्व ने उत्तम से उतना उत्तम अपना सौंदर्य बिखेर दिया है, और वहाँ जल तत्व ने अपना माधुर्य ला करके रख दिया है, और वहाँ पृथ्वी ने अपना सौरभ प्रकट कर दिया है। वो लोक है जहाँ कोई भी तत्व अपने गुण को, धर्म को, स्वभाव को छिपाता नहीं है, वो है भाव लोक, उसका नाम है वृंदावन। और आप उसमें देखेंगे, समय ले लीजिए सायं, और आ रहे हैं भगवान गायों को चराकर। तम गो रजस छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुं क्वणंत मनुगैरनुगीत कीर्तिम गोप्योतिदृक्षित दृशोभ्य गमन समेता। आ रही हैं गौएं, उनके पीछे पीछे मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर गौर सुंदर बलराम ग्वाल बाल, और अगल बगल से गोपियां कोई छज्जे पर चढ़कर कोई धरती से उनके सौंदर्य का अनुसंधान कर रही हैं। आओ हम भी गोपियों की गोल आंख से अपनी आंख मिला दें और श्याम सुंदर को देखें, गोपियों के हृदय से अपना हृदय मिला दें और श्याम सुंदर को देखें। एक बार भाई आप उनके दिल से दिल तो मिलाइए, आपकी बहन आपसे कितना प्रेम करती है, आप जब ये अनुभव करते हैं कि हमारी बहन हमारे लिए रो रही है तो आपका दिल बहन के दिल से मिल जाता है, जब आप याद करते हैं कि पत्नी हमारे प्रेम में व्याकुल है तो आपका दिल पत्नी से मिल जाता है, और जब आप ही याद करते हैं कि हमारी माँ स्नेह वात्सल्य से हमारी याद कर रही है तो आप माँ के दिल से एक हो जाते हैं। तो क्यों जी आप दूसरों के सबके दिल से एक हो जाते हैं तो आप गोपियों के दिल से एक क्यों नहीं हो सकते? गोपी तो आपके हृदय में है, आपका मन ही गोपी का रूप बन करके और बड़ी बड़ी प्रेम भरी आंखों से जिनमें गीलापन है, गीली गीली आंखों से, बड़ी बड़ी आंखों से, प्यार भरी आंखों से जैसे वे श्याम सुंदर को देखती हैं, वैसे आप क्यों नहीं देख पाते? गोपियो दिदृक्षित दृशो जगमन समेता। सामने से गायों को बचाकर अगल बगल से गोपियां अभिगमन कर रही है। अभ्यगमन शब्द का प्रयोग किया श्री सुखदेव जी महाराज ने, अभ्यगमन अभिगमन किया गोपियों ने। आपको मालूम हो ना हो, भगवान श्री शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में जहाँ भक्ति की चर्चा की वहाँ उन्होंने स्पष्ट लिखा, अभिगमन इज्ञा उपादान, जो मैं बोल रहा हूँ यही शब्द है, अभिगमन इज्ञा उपादान के द्वारा परमेश्वर की पूजा तो सर्वशास्त्र प्रसिद्ध है, हम भला उसका विरोध कैसे करेंगे? अभिगमन माने भगवान के सामने चलो, इज्ञा माने उनको कुछ खिलाओ पिलाओ, उनको कुछ दो, और पूजा की सामग्री लेकर चलो ना, उनके चरण धो,
उनके तिलक लगाओ, उनको माला पहनाओ, उनके मुंह में कुछ उन्हें भोजन कराओ, उनकी आरती उतारो, उनके लिए घंटी बजाओ। अभिगमन इज्जा उपादान, ये वेदांत सिद्धांत में भगवान शंकराचार्य के द्वारा परिगृहित है। और कोई जानना चाहे कि कहाँ है तो हम सूत्र बता देते हैं, आप सूची में देख लेना, विषय सूची में उत्पत्ति संभवाच, ये है सूत्र और उसका नाम है उत्पत्ति संभवाधिकरण। और उसकी व्याख्या में शंकराचार्य ने कहा, अरे भाई सामने से भगवान की ओर चलो, भगवान की ओर चलना हो तो सामने से चलो। अभिगमन जैसे गुरु के पास जाता है जिज्ञासु, तद विज्ञानार्थम स गुरु में अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम। ठीक वैसा अभिगमन गोपियां कर रही हैं श्री कृष्ण के सम्मुख। गोपियो दिदृक्षित दृशो जगमन समेता, गोपियां अकेली नहीं हो, कई गोपियां हैं, इसलिए एक गोपी की आंख के साथ अगर अपनी आंख मिला दोगे कि मैं इसकी आंख से देख रहा हूँ तो संभव है आपका मन एक जगह न टिके। तो सैकड़ों गोपी आ रही हैं समेता, समवेत रूप से गोपी आ रही हैं। आप किसी गोपी की आंख में कभी बैठ करके देखिए, एक का ललित भाव क्या है, दूसरे का मधुर भाव क्या है, तीसरे का सौंदर्य पिपासु भाव क्या है, चौथी का माधुर्यास्वादी भाव क्या है। आप प्रत्येक गोपी की आंख में बैठ करके अपने मधुर मधुर और परम सुंदर श्याम सुंदर के रस का आस्वादन कीजिए। ये भावलोक है बोला, इसमें आपका तेजस केवल स्थूल शरीर का अभिमानी नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर के साथ एक होकर और उसको अपने काबू में करके तेजस बन करके तेजस्वी हो, तेजस तेजस उसमें से रोशनी निकलती है और उसकी रोशनी में हिरण्य गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। भक्ति भाव भावित अपनी ज्योति से तेजस देख रहा है हिरण्य गर्भ में भगवान श्री कृष्ण को। दिदृक्षित दृशः, आंखें प्यासी हैं। दिदृक्षित दृशः का अर्थ है आंखें प्यासी, आंखों में दिदृक्षा है, कैसे देखें श्याम सुंदर को, कैसे देखें। अच्छा यदि आप ये सोचते हो महाराज कि हम आपको बतावें कि आप घर में झाड़ू कैसे लगावें, तो आप अपने भाई से, बाप से, माँ से सीख लीजिए, सास से सीख लीजिए कि झाड़ू कैसे लगाते हैं। वो सीखने के लिए हमारे पास आने की क्या जरूरत है। यदि आपको सीखना हो कि गौरी गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए, तो आप अपने पुरोहित से सीख लीजिए, ब्राह्मण पंडित से गौरी गणेश की पूजा कैसे होती है। हम आपको झाड़ू लगाने और रोटी बनाने से ऊपर, गौरी गणेश की पूजा से ऊपर एक ऐसी भावमयी सृष्टि का वर्णन करते हैं। आप बार बार लौकिक व्यवहार की ही बात क्यों जानना चाहते हैं, जो आपके ध्यान में नहीं है उसको तो जरा जानने की कोशिश कीजिए। गोपियो दिदृक्षित दृशो भ्यगमन समेता, आँखों में दर्शन की प्यास है, मेरी अखियाँ प्यासी रे, मेरी आँखें प्यासी हैं श्याम सुंदर के सौंदर्य माधुर्य का पान करने के लिए, पान करने के लिए। तो कैसे हैं श्याम सुंदर, आओ जरा उनके रूप का अनुसंधान करें। आप क्या सोचते रहते हैं, आप अपने दुश्मन का रूप सोचते रहते हैं कि आपके दुश्मन की सकल सूरत कैसी है। आपके मन में द्वेष जमा होगा, आपको क्रोध आएगा, आपके शरीर से हिंसा होगी। आप जिस दुश्मन का ध्यान कर रहे हैं उसका अनिष्ट करेंगे और अपने दिल को जला मारेंगे और स्वयं दुखी हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं अपने दुश्मन को। आप वो प्यारा प्यारा महाराज तंगूरजश्चुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। गोरजश्चुरित, गायों के खुर से उड़ उड़ करके धूल उसके ऊपर पड़ी हुई है। लो पाउडर तो आपने बहुत देखा होगा, जे नवघन पर मानो जीन बदरिया शोभा रस बरसावने।
लटकी लटकी मनमोहन यामनी झूम झूम पग धरत भूमि पर गति मातंग लजावनी लटकी लटकी मनमोहन यावनी संग सखान पतरात अपने सखाओं के साथ बात कर रहे हैं। कभी कभी महाराज उचक के किसी ग्वाले के कंधे पर चढ़ जाते हैं, कभी एक कंधे पर से दूसरे कंधे पर चले जाते हैं, कहीं वही मंडलाकार नृत्य करने लगते हैं। आपने देखा है श्री कृष्ण का जादू, कभी देखा है गोरजस्फुरित कुंतल उनके काले काले बादलों पर महाराज बालों पर वो संगीन सरीखे घने सांवरे महीन वो चिकने बाल भगवान श्री कृष्ण के उनके ऊपर पड़ी है धूल गोरजस्फुरित कुंतल और बालों में ही बंधी है मोर की पाख। देखो एक तो गाय, अब देखो भगवान का पक्षपात देखो, गाय के खुर की धूल कहाँ का सिर पर और मोर की पाख कहाँ, मोर की टूटी पाख हो, टूटी पाख मोर की भगवान के सिर पर मुकुट। आपको ब्रह्म समझावे कि कृष्ण समझावे, आप श्री कृष्ण के भगवान के अनुग्रह के बारे में आज सवेरे ही पढ़ रहे थे। अभी देखो आपने सुना होगा राम जी की मैया कौन है कौशल्या और कृष्ण की मैया कौन का यशोदा और बामन की मैया आदिति, नरसिंह की मैया कौन, नरसिंह की मैया हिरण्यकशिपु की सभा की स्थूणा थुंगी हो खंभा, हिरण्यकशिपु की सभा के खंभे को माँ बनाकर और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। एक जड़ खंभे को स्थूणा बोलते हैं संस्कृत में, स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए उसको माँ बनाते हैं। क्या आश्चर्य है। अच्छा गजेंद्र का जिन्होंने उद्धार किया था, क्या नाम था उनका, हरि, भला अष्टम स्कंद में भागवत के उनका नाम हरि लिखा है, उनकी माँ कौन थी आपको मालूम है, उनकी माँ का नाम था हरिणी हो हरिणी, भगवान बैकुंठ से नहीं आए, हरिणी के पेट में से झट निकले और छलांग भर के पहुंच गए। अभी भागवत ही में है कि उनकी माँ हरिणी है, हरिणी के पेट में से निकले हरि गजेंद्र की रक्षा के लिए, स्थूणा के पेट में से निकल पड़े नरसिंह भगवान। आपको भगवान की देखो महिमा, उनके सिर पर सिर के बालों पर जो रश्मिमय हैं, जो चैतन्यमयी रश्मियां हैं, हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेशः जिनके लिए वेद कहता हिरण्यकेशः हिरण्यश्मश्रु, उनके सुनहले बाल हैं और उनके शरीर से जो सुनहली ज्योति निकलती है वही उनकी दाढ़ी मूछ है। ये स्वर्ण वर्ण महाराज भगवान उनके बालों पर क्या है, गाय के खुर की धूल का। आप सोचते हैं कि आपको भगवान अपने गले नहीं लगावेंगे, मोर की पाख सिर पर रखने वाले आपके प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे। जंगली फूल महाराज वो नहीं, किसी बगीचे में लगे हुए नहीं, हमको पूना में बताया कि वहाँ जो बगीचा है उद्यान जो है वहाँ 1000 से भी अधिक किस्म के गुलाब लगे हुए हैं, हमने गुलाब का हरा फूल भी देखा है, हमने गुलाब का काला फूल भी देखा है, बहुत कम मिलेंगे आपको मखमली गुलाब भी देखा है, मछली टाइप का भी गुलाब देखा है। हे भगवान, भगवान को चाहिए गुलाब का फूल कि चमेली का फूल कि बेले का फूल कि कमल का फूल, बोले नहीं वन्य प्रसून जंगली फूल, जंगली वस्तु कितनी प्यारी है भगवान को, वन्य प्रसून रुचि रे क्षण, आँख कैसी, एक बार आँख से आँख मिल जाए महाराज ऐसी मीठी, ऐसी मीठी, उसमें से रस की वर्षा होती रहती है, केवल ज्ञान की नहीं केवल ज्योति की नहीं मिठास की वर्षा होती रहती है। रुचि रे क्षण, दूसरों की रुचि को अपनी ओर खींच ले और चारु हासम मुस्कान, कितनी सुंदर मुस्कान है जो भगवान के होठों से निकलती है। आपने कभी लाल लाल अधरों के बीच में
श्वेत श्वेत दंतावली का दर्शन किया है। वेणुं क्वणन्तं, सहनाई नहीं बजा रहे हैं, बजा रहे हैं बांस की बसुरिया, और गंधर्व लोग कीर्ति का गान नहीं कर रहे हैं, गांव के ग्वाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं, और सामने से गोपियां गायों को बचा बचा कर और अभिगमन कर रही हैं श्री कृष्ण की उपासना के लिए। आप गोपियों के साथ मिलकर चलें और श्री कृष्ण पर एक दृष्टि डालें। दृशोभ्यगमन दिदृक्षित दृशोभ्यगमन समेता, इसके बाद क्या होता है, जैसे कोई मधुपान करे ऐसे गोपियां श्री कृष्ण मधु का, भगवान मधु का पान करने लगते हैं। पीत्वा मुकुंद मुख सारग मक्षी वृंगई तापम जहुर विरहजम ब्रज जोशितो ने, उनके सब ताप मिट गए। कहां गया प्रारब्ध? ये सब प्रारब्ध आरब्ध कुछ नहीं होता है, न प्रारब्ध होता है, ये तो महाराज लोगों को संतोष कराने के लिए। जब आदमी निकम्मा हो जाता है तो कहता है हमारा ऐसा प्रारब्ध ही था, दूसरे के घर में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो बोलते हैं तुम्हारा प्रारब्ध ही था ऐसा, आश्वासन के लिए है। ना कृतिर निज कर्माणि न वयो न पराक्रमः, प्रारब्ध की सकल सूरत नहीं है, प्रारब्ध का कोई कर्म नहीं है, प्रारब्ध से कर्म नहीं होता, प्रारब्ध की उम्र नहीं है, प्रारब्ध में बल नहीं है। ये तो महाराज घर में कोई गमी समी हो जाती है, कोई बिछुड़ से छुड़ जाता है तो उसको समझाने बुझाने के लिए एक आश्वासन की रीति है। आप जोग वासिष्ठ में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में पढ़िए प्रारब्ध की चर्चा। ये तो कमजोर लोग सहारा लेते हैं तो ठीक है, संतोष के लिए बढ़िया है। आपके हृदय में ताप है, मैं कहता हूँ कि अगर बुखार आने पर आप डॉक्टर की दवा लेते हैं, बुखार प्रारब्ध से आया है कि नहीं? अच्छा, प्रारब्ध से आया है तो सह लीजिए, कि हम प्रारब्ध सह रहे हैं, डॉक्टर की दवा क्यों लेते हैं? बोले भाई प्रारब्ध से आपको रोटी मिलती है? कहाँ मिलती है? क्या तब खेती क्यों करते हैं, अनाज क्यों खरीदते हैं? प्रारब्ध आपको रोटी दे देगी। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके हृदय में यदि ताप है, माना प्रारब्ध से आया, तुष्यतु दुर्जनहा, प्रारब्ध से आपके दिल में संताप आया, दुख आया, मैं कहता हूँ आप भगवान श्री कृष्ण के अनुसंधान का रस, अनुसंधान का अमृत आप डाल लीजिए अपने मुखारविंद में। कल शरद पूर्णिमा है, हमको मालूम है, बोला इसलिए मैंने ये भूमिका लगाई है, ये भूमिका लगाई है कि कल आपको शरद पूर्णिमा में जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की चांदनी छिटकती है, ब्रजराज झुलाऊं सारी रहे, ये तारे जो छिटकते हैं आसमान में ये गोपी हैं, और जो चंद्रमा होते हैं वो श्री कृष्ण होते हैं, और ये प्रकृति की नीलिमा में सारा ही नीला नीला होता अगर भगवान श्री कृष्ण चंद्र और उनकी गोपी ताराओं का ये नृत्य न होता, ये नृत्य नहीं होता। तो हमने ये भूमिका इसलिए बनाई आपके सामने कि आप यदि अपना ताप मिटाना चाहते हैं, ताप माने बुखार, ताप माने दिल की जलन, ताप माने दुख की ज्वाला, आपके हृदय में जो पीड़ा है, व्यथा है, ज्वाला है, वो सारी प्रारब्ध से आई हो, उस ससुरी को किसी देवता ने भेजा हो, ससुरी माने देवता के साथ हो, जो सुर सहित हो उसका नाम ससुरी, भले वो देवता के साथ आई होए, भले प्रारब्ध ने उसको भेजा होए, भले वो भ्रम से आई हो, भले किसी की माया हो, भले ईश्वर की देन हो। आपने सुना ही होगा कि हरि राम से अधिक राम कर दाता, यदि ईश्वर ने भी आपके हृदय में पीड़ा भेजी हो तो सत्पुरुषों में ये सामर्थ्य है कि उस पीड़ा को, व्यथा को, व्याधि को, दुख को, ताप को वो मिटा सकते हैं, और मिटाना यही है कि देखिए आपका प्रारब्ध मिट रहा है, एक बार अपने मन में आप भगवान श्री कृष्ण चंद्र की ये झांकी भर तो लीजिए। अभी आप कथा सुनते रहे हैं घंटा भर,
घंटा भर हो रहा है। आपने यदि ध्यान से सुना होगा, देखो श्री कृष्ण का प्रणाम भी प्रणाम करने योग्य है, श्री कृष्ण की कथा भी परमानंददायिनी है। मैं शर्त से कहता हूँ, जिसने मन लगाकर सुना होगा उसको अपने घर के सारे दुख इतनी देर तक भूल गए होंगे। और यदि भगवान की लीला कथा में इतना सामर्थ्य है कि जितनी देर आप सुने उतनी देर आपका ताप प्रारब्ध मिट जाए, तो स्वयं भगवान यदि आपके हृदय में आ जाए और उनका प्रेम आ जाए तो उसके बारे में तो कहना क्या। ये प्रत्यक्ष सुख है, वो इसमें तर्क उतर की जरूरत नहीं है। इसको चूहे की तरह उतरिए मत, उतर्क मत कीजिए इस पर, इस पर साइंस की नोक मत लगाइए, मशीन की नोक मत लगाइए, इसको साइंस से मत जांचिए। ये आपके भाव लोक की अद्भुत वस्तु है, आपकी संपत्ति है और इसके प्रयोग में आप स्वतंत्र हैं। इसमें न मशीन चाहिए, न आदमी चाहिए, न चीज चाहिए, आप इसके अनुभव में अनुसंधान में स्वयं स्वतंत्र हैं और सर्वदा के लिए इससे आपका दुख मिट जाएगा। अब आपको कल शरद पूर्णिमा है ना, तो आपको रास रस आज गोपाल रास रस खेलत, आपको कल सुनावेंगे कि कैसे ब्रह्ममयी लीला है, ब्रह्म में ब्रह्म का नृत्य हो रहा है, ब्रह्म में ब्रह्म का विलास है। ओम शांति।